हेलो दोस्तों, एयर मोबाइल रिपेयरिंग चैनल पर आप सभी लोग को फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं आज एक वीडियो लेकर आया दोस्तों, जिन लोग मोबाइल रिपेयरिंग काम कर रहा है या तो मोबाइल फ्लास्ट कर रहा है या तो फ्लास्ट करना चाहते हो दोस्तों, इस वीडियो आपके लिए है दोस्तों। ये वीडियो देखते रहिए दोस्तों, आपका काम आ जाएगा दोस्तों। दोस्तों, थंबनेल पर देख के वीडियो पता चल गया होगा किस टॉपिक का ऊपर मैं वीडियो लेकर आया हूँ दोस्तों। बहुत एक अच्छा एक टूल दिखाने जा रहा हूँ मैं, और बहुत एक अच्छा टेस्ट पॉइंट दिखाने जा रहा हूँ। जितनी सारे एंड्रॉयड फ़ोन है, इतनी सारे एंड्रॉयड फ़ोन का किस तरह टेस्ट पॉइंट कहाँ पर देखना है और किस तरह टेस्ट करना है, ये सब देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए और वीडियो पूरे लास्ट तक देखते रहिए। वीडियो आगे बढ़ने से पहले, आप मेरे चैनल के लिए नया आया है तो इस लाल रंग का बटन पर क्लिक करके जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। साथ में जो घंटा है इसे भी दबा देना, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द और सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों, सबसे पहले जिस टूल का बारे में बता रहा हूँ, इस टूल का लिंक मेरा वीडियो का नीचे मिल जाएगा। इस लिंक से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद इस तरह देखने को मिलेगा एक जिप फाइल, उनको अनजिप कर देना है। अनजिप करने का टाइम एक पासवर्ड मांगेगा, ये पासवर्ड भी ये साथ में है। उसके बाद ये ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करने के बाद जो जिप फाइल है वो अनजिप हो जाएगा, यानी कि एक्स्ट्रैक्ट हो जाएगा। दोस्तों, बहुत एक अच्छा एक टूल है दोस्तों। मैंने नहीं बनाया, किसी और ने बनाया, लेकिन जिन्होंने बनाया बहुत अच्छा बनाया, बहुत काम आ जाएगी दोस्तों। जिन लोग मोबाइल फ्लैश या तो रिपेयर कर रहा है दोस्तों, इस टूल का अंदर बहुत कुछ दिया हुआ है दोस्तों। अगर आप मोबाइल फ्लैशिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो स्किप मत कीजिए, पूरे देखते रहिए दोस्तों। दोस्तों, अनजिप होने के बाद इस तरह देखने को मिलेगा, इसको ओपन करके ये जो पासवर्ड मांगेगा। ये आईडी और पासवर्ड मांगेगा, ये दोनों दे दीजिए। ये आईडी ऊपर में दीजिए। और पासवर्ड जो है वो नीचे दीजिए। उसके बाद लॉगिन पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद ये देख लीजिए दोस्तों, इसके अंदर बहुत कुछ दिया हुआ है। शाओमी का है टेस्ट पॉइंट, ये देख लीजिए। जितनी सारी मॉडल दिया हुआ है इसके अंदर, इतनी सारी मोबाइल को टेस्ट पॉइंट कहा है वो देख सकते हो दोस्तों। कभी कभी मोबाइल फ्लैश करने का टाइम टेस्ट पॉइंट ढूंढने से बहुत टाइम लग जाता है, बहुत यूट्यूब पर वीडियो देखना पड़ता है, गूगल पर सर्च करना पड़ता है। तो बहुत मेहनत करने का बात ये जो दोनों टेस्ट पॉइंट है वो देखने को मिलता है दोस्तों। अगर ये टूल आप चलाओगे तो कोई यूट्यूब और गूगल पर सर्च करना नहीं पड़ेगा टेस्ट करने के लिए, वो बहुत कुछ दिया हुआ है। ये नेक्स्ट करोगे तो और मिलेगा, ये देख लीजिए। नेक्स्ट करोगे तो और मिलेगा, बहुत कुछ दिया हुआ है, ये देख लीजिए। फिर नेक्स्ट करोगे तो और मिलेगा, ये हवाई का आया है, ये देख लीजिए। सब वर्क करता है, 100% वर्क है, सब देख सकते हो दोस्तों, कोई फेक नहीं है दोस्तों। जितनी सारी टेस्ट पॉइंट दिखाई दे रहा है बहुत अच्छे, 100% वर्क करता है। जिन्होंने बनाया बहुत मेहनत से बनाया होगा, लेकिन बहुत अच्छा टूल है, बहुत अच्छा काम करता है। मैं भी बहुत दिन से चला रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। जो पॉइंट जिस तरह दिखाई देता है इस तरह ही काम करता है, ये देख लीजिए। फिर नेक्स्ट करोगे तो वीवो का आया, ये देख सकते हो, ये देख सकते हो।
फिर नेक्स्ट करोगी तो ये Xiaomi का जो प्लाशर टूल है वो आया। ये देख लीजिए Xiaomi का प्लाशिंग टूल है, और ये जो एंड्रॉयड सर्विस टूल है, और MI अकाउंट रिमूव टूल है। इसका अंदर ये देख सकते हो वो भी 100% वर्क है। MI अकाउंट रिमूव टूल है यहाँ पे, और नेक्स्ट करोगे तो और मिलेगा। ये Asus का है, Asus Qualcomm का है, IMEI रिपेयर टूल है। जितनी सारी टूल यहाँ पर है, कोई ओपन करने का टाइम एरर नहीं दिखाएगा, 100% ओपन भी होगा, काम भी करेगा। ये देख लीजिए जितनी सारी मॉडल है। Asus का ADB जो रीसेट FRP टूल है, Asus Zenfone का प्लाशर टूल है, ये देख सकते हो बहुत कुछ दिया हुआ है इसका अंदर। जितनी सारी फ्लैशिंग या तो FRP रीसेट टूल यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इतनी सारी टूल 100% काम करेगा। और नेक्स्ट करोगे तो और मिलेगा। ये देख लीजिए Samsung का आया है, Samsung FRP रिमूव टूल है, सर्विस टूल डाउनलोड मोड है, Samsung FRP है। यहाँ पे देख लीजिए न्यू FRP अनलॉकर है, जितनी सारी है सब काम करेगा। ये देख लीजिए ये देख सकते हो कोई एरर नहीं है, ओपन होने में कोई दिक्कत भी नहीं आ रहा है। यहाँ पे ओप्पो का देख सकते हो, ओप्पो सर्विस टूल है, जितनी सारी टूल दिखाई दे रहा है सब ओपन होगा, सब काम भी करेगा 100%। ये ओप्पो 37 का है, ये 57 का है, ये देख लीजिए Vivo जो फ्लैशिंग टूल है, Qualcomm का जो फ्लैशिंग टूल है, Qualcomm का जितनी सारे फ़ोन है इस टूल का मदद से फ्लैश कर सकते हो। नेक्स्ट करोगे तो और मिलेगा। ये Lenovo का है, IMEI रिपेयर टूल है, ADB ड्राइवर है, ये देख लीजिए। ADB ड्राइवर में मिलेगा इसका अंदर, ये देख सकते हो इंस्टॉल कर सकते हो। तो मेरा PC पर इंस्टॉल है ऑलरेडी, इसलिए नहीं कर रहा हूँ मैं। नेक्स्ट करोगे तो और मिलेगा। Vivo FRP टूल है, ADB ड्राइवर है, ये देख सकते हो। नेक्स्ट करोगे तो और मिलेगा। स्पेक्ट्रम FRP टूल है, ये देख सकते हो। ये देख सकते हो SPD FRP रीसेट टूल है। नेक्स्ट करोगे तो और मिलेगा। MediaTek FRP टूल है, इससे रन होने में थोड़ा टाइम लग जाता है MediaTek, क्योंकि इसके अंदर बहुत कुछ दिया हुआ है। ये देख लीजिए MediaTek यहाँ पे जितनी सारी CPU मॉडल दिखाई दे रहा है, इतनी सारी CPU मॉडल आप Google FRP अनलॉक कर सकते हो, बहुत आसानी से अनलॉक हो जाएगा। ये देख लीजिए। नेक्स्ट करोगे तो और आ जाएगा। ये Qualcomm का MMC जो रिपेयर है, Qualcomm FRP टूल है, QC फ्लैश इमेज लोडर है, ये देख लीजिए। ये एक एरर दिखा दिया। नेक्स्ट करोगे तो और मिलेगा।
HTX टूल है HTC का, यहाँ पे बहुत कुछ दिया हुआ है, नेक्स्ट करोगे तो और मिलेगा। कॉलकॉम फोन डाउनलोड टूल है, नेक्स्ट करोगे तो और मिलेगा। माइक्रोमैक्स का है FRP टूल, नेक्स्ट करोगे तो और है। FRP रिमूव है टूल है, नेक्स्ट करोगे तो और मिलेगा। LG का है, हवाइया का है, सैमसंग का है, फिर आ गया पहले जो आया था। तो इस तरह दोस्तों जितनी सारे टूल दिखाई दे रहा है इसका अंदर, जितनी सारे टेस्ट पॉइंट दिखाई दे रहा है मोबाइल का, इतनी सारे मोबाइल का टेस्ट करोगे तो 100% वर्क होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। जितनी सारे टूल है इसका अंदर, इतनी सारे टूल भी काम करेगा दोस्तों, यकीन मानो काम आ जाएगी आपको। दोस्तों मेरे वीडियो देख के थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो मेरे चैनल को एक सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पर एक लाइक कीजिए, क्योंकि मैं हर दिन इस तरह वीडियो लेता रहूँगा अगर आप सब लोग को मिल जाए तो। आज के लिए वीडियो इतना तक, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।